अगर इस कायनात की तख्लीक का जायजा लेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि सूरज, चांद, सितारे अपने मदार में मुकर्रर औकात में गर्दिश करते रहते हैं। दिन का तुलू होना, रात का जाहिर होना, मौसमों की तब्दीली, तेज़ बारिश, ये तमाम चीज़ें एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार और बाकायदगी से वक़ूअ पज़ीर होती हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि इस कायनात का निज़ाम चलाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ात है। जब कोई छोटी सी भी चीज़, वजन सुई वगैरह भी बगैर किसी बनाने वाले कारीगर के मौजूद नहीं हो सकती, तो ये पूरी कायनात कैसे किसी बनाने वाले कारीगर के मौजूद है? वो ज़ात अल्लाह ताला के सिवा और कोई दूसरी ज़ात नहीं हो सकती। अगर अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरी ज़ात शरीक होती तो सारी कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता और दुनिया में अफरा तफरी मच जाती। एक खुदा कहता कि सूरज मशरिक से निकलेगा तो दूसरा कहता मगरिब से निकलेगा। इसी तरह हर निज़ाम दरहम बरहम हो जाता और कायनात में अफरा तफरी मच जाती। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाया है, अगर ज़मीन और आसमान में अल्लाह ताला के सिवा कोई और माबूद होते तो ज़मीन और आसमान दरहम बरहम हो जाता।